नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। आज का जो वीडियो का टॉपिक मैंने चूज़ किया है वो आपने अक्सर देखा होगा ये कहते हुए कि आपका जो बर्ड्स है वो सूखे की चपेट में आ गए हैं। देखिए, जो बर्ड सूखे में आ जाता है, सूखा अपने आप में कोई बीमारी नहीं है कि बर्ड्स की जो हड्डी निकलाती है वो कोई एक दिन के अंदर वो चीज़ बर्ड्स की बॉडी के अंदर डेवलप नहीं होती है, वो किसी अन्य बीमारी के कारण यानी इन्फेक्शन किसी और कारण से होता है। जब जानवर में वीकनेस आती है, जब हम उसकी जो बीच वाली बोन है उसको हम फील कर सकते हैं, तो हम बोल सकते हो कि बॉडी का फैट डिजोल्व हो गया और आपका पक्षी जो है सूखे की चपेट में हो गया है। यानी हो सकता है आपका बर्ड्स काफ़ी दिन से बीमार चल रहा हो, काफ़ी दिन से उसको लूज मोशन से डायरिया लगे हुए, उसकी वजह से भी धीरे धीरे जब उसकी बॉडी में काफ़ी क्रोनिक केस हो जाता है तो आपका बर्ड्स इतना दुबला पतला हो जाता है कि उस वीकनेस की वजह से बॉडी का फैट डिजोल्व हो जाता है और आपका बर्ड जो है सूखे की चपेट में आते हैं। यानी हम उसको इनडायरेक्टली ये कहते हैं कि बर्ड सूखे की चपेट में है, लेकिन उसका जो कॉज होता है वो डिफरेंट होता है। इसलिए सूखा अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, अन्य दूसरी बीमारियों के कारण जो है पक्षी के अंदर इस तरह के जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तब हम ये बोलते हैं कि हमारा जो पक्षी है वो सूखे की चपेट में आ गए हैं। इसलिए जब भी आपकी बर्ड्स में कोई भी आप किसी भी बीमारी का हल्का सा सिम्टम्स देखते हो, उसको उसी टाइम यदि आप क्योर कर लोगे तो आपका बर्ड्स कभी भी सूखे की चपेट में नहीं आएगा या उसमें इस तरह की इतनी वीकनेस नहीं आएगी कि आप उसकी जो कील बोन है, जो बैक जो हड्डी है उसको फील कर सको। इसमें सडन बर्ड्स के वेट में एकदम से डाउन चला जाता है। यानी आप जब बर्ड्स देखेंगे मसल्स का पूरा फैट डिसॉल्व हो चुका, पक्षी का कम से कम जब आप यदि वेट का मेजरमेंट लेते हो तो 30 से 40 ग्राम वजन जो है बर्ड्स का एकदम से डाउन चला जाता है। तब आपको महसूस होता है कि बर्ड्स बहुत ही वीक हो गया है। और जब फैदर्स के अंदर कई बार पता नहीं चलता है, लेकिन फैदर्स बर्ड्स को आप हाथ में लेकर के उसकी बोन्स को फील करोगे तब आप ये 100% श्योर हो जाओगे कि आपका बर्ड्स किसी न किसी या कोई ऐसा इन्फेक्शन क्रोनिक चल रहा है इतने दिनों से जिसको कि आप इग्नोर कर रहे हो, उसकी वजह से उसका जो साइड इफेक्ट है वो आपके बर्ड्स की बॉडी में आ गया और अब आप उसको कह सकते हो कि आपका बर्ड सूखे की चपेट में आ गया। लेकिन उसका जो रीजंस होता है वो कोई अन्य कारण होता है। आज मैं उन बीमारियों का इसमें वर्णन करूँगा कि किन किन बीमारियों के बाद आपका पक्षी सूखे की चपेट में आ सकता है। सबसे पहले तो है बर्ड्स के अंदर यदि कंटिन्यूस लूज मोशन चलते हैं, डायरिया, आपका बर्ड्स कंटिन्यूस पतले जो है पानी की तरह मोशंस कर रहे हैं, वाटर लॉस बॉडी से बहुत ज़्यादा यानी डिहाइड्रेशन हो चुका है बर्ड्स की बॉडी में, पानी का फ्लूड लॉस हो चुका है, पानी की शरीर में कमी हो चुकी है। तो उसमें क्या है, मसल्स के अंदर जो है वाटर का कंटेंट, जब उसका जो फ्लूड्स का इम्बेलेंस होने शुरू होता है तो धीरे धीरे बर्ड्स खाना पीना कम कर देता है और धीरे धीरे बर्ड्स इतना वीक हो जाएगा कि उसकी मसल्स का जो फैट है वो बॉडी का जो फैट है जो चेस्ट में डिपॉजिट है पूरा खत्म हो जाएगा और आपका बर्ड जो सूखे की चपेट में आ जाएगा। इसलिए जब भी कभी इस तरह का आप देखते हो तो तुरंत आपने बर्ड्स के इस कारण को, इस फैक्टर को जिसकी वजह से मोशंस लगे वो बैक्टीरियल की वजह से हैं, वायरल है या और कोई इन्फेक्शन है, उसको तुरंत क्योर करने की कोशिश कीजिए। जैसे ही आप अपने बर्ड्स का लूज मोशन देखते हैं, यदि समय रहते आप टेट्रासाइक्लिन पाउडर 2 से 4 ग्राम 1 लीटर पानी में डिसॉल्व करके अपने बर्ड्स को दे देंगे तो आपके जो मोशंस है बर्ड्स के ऑटोमेटिक यहीं पर स्टॉप हो जाएंगे। दूसरा जो है एक मेट्रोजिल सिरप करके आता है, यदि आप मोशन देखते हो मेट्रोजिल सिरप भी आप पीने के पानी में या इंडिविजुअल आप अपने बर्ड्स को 5-5 to 10-10 ड्रॉप्स दिन में 3 बार आप देंगे तो आपके बर्ड्स के जो मोशंस हैं या कोई इन्फेक्शन है वो ऑटोमेटिक वहीं कंट्रोल हो जाएगा। बर्ड्स लगातार से वॉमिटिंग कर रहा है और आपके बर्ड्स की वॉमिटिंग नहीं रुक रही है तो इमीडिएटली उस वॉमिटिंग को आप एंटी इमेटिक यानी वो दवाइयाँ जो कि वॉमिटिंग को स्टॉप कर सके वो दीजिए, ताकि बर्ड्स कंटिन्यूस वॉमिटिंग के कारण उसके शरीर में जो डिहाइड्रेशन पानी की कमी ना हो, स्टॉप कर दीजिए उसको वहीं पे। उसके लिए आप पेनिडोम सिरप आता है आप बर्ड्स को दीजिए, या इंजेक्शन भी आता है पेनिडोम का आपका बर्ड्स को आप वो भी दे सकते हो, या एंटी इमेटिक्स जितनी भी मेडिसिन है जो कि वॉमिटिंग को स्टॉप करती है आप बर्ड्स को तुरंत दीजिए। जितनी जल्दी आप मेडिसिन आप देना शुरू करेंगे आप बर्ड्स की वॉमिटिंग को स्टॉप करेंगे, उतने ही जल्दी आप ये मान के चले कि आपके बर्ड्स में और ज़्यादा वीकनेस नहीं आएगी और आपका बर्ड जो सूखे की चपेट में नहीं आएगा। यदि आप अपने बर्ड्स को हेल्दी न्यूट्रिशन डाइट नहीं दे रहे, देखिए हेल्दी न्यूट्रिशन डाइट का मतलब होता है बर्ड्स की डाइट में वो सभी पोषक तत्व होने चाहिए जो कि बर्ड्स को हेल्दी बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। आप सिर्फ एक तरह का सीड्स दे रहे हो और उसके अलावा कुछ नहीं दे रहे हो, उससे जानवर का पेट तो भरेगा लेकिन उसके जो शरीर में जरूरी विटामिन या सप्लीमेंट्स आप नहीं दे रहे हो, तो बर्ड्स का भोजन तो बन रहा मिल रहा है उसको, वो जिंदा तो है लेकिन
उसकी बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होनी शुरू हो जाएगी और उसका जो असर है बर्ड्स की सेहत में देखने को मिलेगा। आपका बर्ड्स धीरे धीरे डे बाय डे कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। जब कमज़ोर होना शुरू होगा तो उसकी बॉडी का जब फैट डिजोल्व होगा तो आपका बर्ड सूखे की चपेट में आ जाएगा। तो सूखे में आने का एक रीज़न सी भी हो सकता है। बर्ड्स को अच्छी हेल्दी न्यूट्रिशन डाइट दे। हेल्दी न्यूट्रिशन में क्या है, जितने भी सीड्स का मिक्सचर है आप कोशिश कीजिए सभी को, जैसे मक्का, चना, ज्वार, बाजरा, गेहूं, इन सबको मिक्सचर बना करके सीड्स बनाइए और बर्ड्स को वैराइटीज ऑफ सीड्स दीजिए। उसके अलावा बर्ड्स को पीने के पानी में मल्टीपल विटामिन, अमीनो एसिड्स, कैल्शियम, लीवर टॉनिक ये सब दीजिए ताकि बर्ड्स की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके और आपका बर्ड्स में किसी भी तरह के न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी के सिम्टम्स आपको देखने का मिले। इस तरह से भी आप अगर समय रहते आप देंगे तो आपका बर्ड्स कभी भी सूखे की चपेट में नहीं आएगा। सूखा अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, किसी अन्य दूसरी बीमारी के कारण ही आपका बर्ड सूखे की चपेट में आ जाता है और इसलिए यदि हम उस दूसरी बीमारी को समय रहते हम टाइम पर हम उसको रोक लेंगे तो आपका बर्ड्स कभी भी सूखे की चपेट में नहीं आएगा। आपके बर्ड्स की बॉडी के अंदर माइट्स बहुत ज़्यादा आएंगे, यानी जुएँ बहुत ज़्यादा होगी। जुओं से क्या होगा, आपके वो जो जुएँ हैं आपके पक्षी के शरीर का खून चूसना शुरू कर देंगे, ब्लड सकिंग पैरासाइट्स। हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाएगा, बर्ड्स डे बाय डे वीक, दुबला पतला होना शुरू हो जाएगा। जब दुबला पतला हो गया तो ऑटोमेटिक उसका वेट कम हो जाएगा और आपका बर्ड जो सूखे की चपेट में जाएगा। इसलिए यदि आप उसकी बर्ड्स में कोई भी एक्सटर्नल या इंटरनल पैरासाइट्स ऑब्जर्व करते हो तो बर्ड्स की एक तो रेगुलर डिवॉर्मिंग करते रहिए, उससे इंटरनल पैरासाइट्स पे कंट्रोल होगा। एक्सटर्नल पैरासाइट्स यदि आप बर्ड्स की देखते हैं कि बर्ड्स इचिंग बहुत ज़्यादा करता है, पूरा दिन अपनी खारिश करता रहता है, किसी भी तरह से रेस्टलेस है आपका बर्ड्स, या आपको उसकी बॉडी के ऊपर माइट्स चलती हुई नजर आती है, ब्लड सकिंग माइट्स होती है या उड़ने वाली माइट्स होती है, तो तुरंत बॉडी के ऊपर कोई ना कोई स्प्रे करके उन माइट्स को वहीं ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। जैसे ही आप ये लेंगे तो ऑटोमेटिक देखेंगे कि जब माइट्स ख़त्म हो जाएंगे तो ब्लड सकिंग पैरासाइट्स ख़त्म, तो बर्ड्स जो है हेल्दी होना शुरू हो जाएगा। जो सूखे की चपेट में जाने वाला था आपका बर्ड्स वो तुरंत वहीं रुक जाएगा और आपका बर्ड्स पहले से हेल्दी हो जाएगा, ना ही सूखे में जाएगा। जब भी मौसम में बदलाव होता है, अधिक गर्मी, अधिक सर्दी, अधिक बरसात, ऐसे टाइम में क्या होता है, बर्ड्स का इम्यूनिटी सिस्टम वीक होता है। उस टाइम में हमें ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत होती है। बर्ड्स को ज़्यादा ठंडी से बचाइए, ज़्यादा गर्मी से या बारिश में भीगने से बचाइए। यदि हमने इस मौसम, बदलते मौसम में बर्ड्स को हम सपोर्ट नहीं कर पाए तो आपका बर्ड्स क्या है, बीमार हो जाएगा। बीमार होने से क्या है, सबसे पहले खाना पीना छोड़ता है। तो इसलिए यदि समय रहते हम इस पॉइंट्स को यहीं पर कर देंगे तो आपका बर्ड्स जब खाना पीना ही नहीं छोड़ेगा तो ऑटोमेटिक उसके बाद ही वो सूखे की चपेट में जाएगा। इसलिए सूखा अपने आप में कोई बीमारी ना हो करके किसी भी अन्य होने वाली बीमारी का सेकेंड कॉज होता है, उसकी वजह से आपका बर्ड सूखे में आता है। आप इसलिए बर्ड्स को जब भी मौसम में चेंज होता है तो उसको बॉडी की इम्यूनिटी बूस्टअप करने के लिए अपने बर्ड्स के पीने के पानी में मेडिसिन दीजिए ताकि उसका इम्यूनिटी लेवल डाउन ना जाए। उसके लिए इम्यूनिटी बूस्टर सबसे बेस्ट जो हमारे पास होता है, आप उसको क्या कर सकते हैं, सेलपेट फॉर बर्ड्स करके एक मेडिसिन आती है, आप उसको पीने के पानी में दीजिए ताकि बर्ड्स का इम्यूनिटी बूस्टअप होना चाहिए। क्योंकि जब मौसम बदलाव होता है तभी इम्यूनिटी डाउन होती है। आप उस टाइम पे मौसम के उस ड्यूरेशन के बीच में आप बर्ड्स को पीने के पानी में यदि आप रेगुलर सेलपेट्स देते हैं फॉर बर्ड्स तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे कि आपके बर्ड्स की इम्यूनिटी डाउन होगी, आपका बर्ड्स बीमार नहीं होगा। बीमार नहीं होगा तो हेल्दी रहेगा। बीमार होने के बाद ही वो खाना पीना छोड़ता है तभी वो सूखे की चपेट में आता है, या उसका सेकंड कॉज हम बोल सकते हैं कि बीमारी के कारण जो आपका बर्ड सूखे की चपेट में है। आज मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है कि बर्ड्स में सूखे की बीमारी क्या होती है। सूखा अपने आप में कोई बीमारी ना होकर के दूसरे अन्य होने वाली बीमारी का सेकेंड कॉजटिव एजेंट है। समय रहते यदि हम उन बीमारियों का सही समय रहते इलाज कर सकते हैं तो अपने पक्षी को सूखे में आने से रोक सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा यदि आपके बर्ड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं या कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो आप नहीं समझ पा रहे हो तो आप अपने बर्ड्स का फोटो वीडियो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9811061861 इस व्हाट्सएप नंबर पे बर्ड्स का फोटो वीडियो शेयर करके आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विस भी आप ले सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।